हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ चैप्टर 12 मुहावरे। अब अपने पढ़ेंगे मुहावरे। जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे मुहावरे कहते हैं। जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष प्रकार का अर्थ प्रकट करता है उसे मुहावरे कहते हैं। जैसे कि स्वर्ण कुमार अपने माता पिता की आंखों का तारा था। बच्चों, आपने ऊपर दिखे वाक्यों को देखा और पढ़ा कि स्वर्ण अपने माता पिता की आंखों का तारा था। इसमें वाक्यांश विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। इन वाक्यों को यदि हम लिखते हैं कि स्वर्ण कुमार अपने माता पिता को बहुत प्यारा था, तो यह वाक्यांश साधारण अर्थ स्पष्ट कर रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि हम एक बात को दो प्रकार से कह सकते हैं। कुछ मुहावरों के उदाहरण हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। छक्के छुड़ाना, हरा देना। छक्के छुड़ाना मतलब हरा देना। क्रिकेट मैच में भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। मुहावरे के अंदर अपने को जो इसका अर्थ है उसके साथ साथ इसका वाक्य में प्रयोग करना भी कंपलसरी है। क्रिकेट मैच में भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। राम राजा दशरथ की आंखों के तारे थे। कमर कसना, तैयार होना। परीक्षा पास आते ही मोहित ने पढ़ाई के लिए कमर कस ली। चींटी की चाल चलना, बहुत धीरे चलना। चींटी की चाल चलने वाले लोग हमेशा समय पर कोई काम पूरा नहीं करते हैं। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। अपराधी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। लोहे के चने चबाना, बहुत संघर्ष करना। ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट खेलते समय श्रीलंका को लोहे के चने चबाने पड़े। हाथ बंटाना, सहायता करना। हमें घर के कामों में माता पिता का हाथ बंटाना चाहिए। उदारता की भावना रखना, दूसरों की मदद करना। हमें हमेशा दूसरों के साथ उदारता की भावना रखनी चाहिए। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। विवेक एक होनहार बालक है, उसने प्रतियोगिता की तैयारी के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। बाल बांका न होना, कोई भी हानि न होना। बाली ने सुग्रीव को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए, लेकिन वह उसका बाल भी बांका न कर सका। बाली ने सुग्रीव को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए, लेकिन वह उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। कंधे से कंधे मिलाना, पूरा साथ देना। कंधे से कंधा मिलाना मतलब पूरा साथ देना। तो इसका एक प्रयोग है, आज लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति कर रही है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। शरण कुमार अपने माता पिता के अंधे की लाठी था। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। महात्मा गांधी जी ने आज़ादी पाने के लिए अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रह जाना। मोहित के परीक्षा में प्रथम आने पर सभी लोग दांतों तले उंगली दबा गए। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। आज दिन भर काम करने के कारण मेरा अंग अंग ढीला हो गया। रंग जमाना, प्रभावित करना। मानसी ने मधुर गीत गाकर कक्षा में रंग जमा दिया। 9:11 होना, भाग जाना। माली को देखते ही लड़के 9:11 हो गए। तो अब इसके कुछ एग्जाम प्रश्न उत्तर हैं जो अपने करेंगे। निम्नलिखित मुहावरों को सही करके लिखिए। 8:3:11 होना, जबकि होता क्या है 9:2:11 होना। आँख में दम करना, इसका सही मुहावरा क्या होगा, नाक में दम करना। पैर पर चूहे कूदना, सही क्या होगा, पेट में चूहे कूदना। हाथी की चाल चलना, सही क्या होगा, चींटी की चाल चलना। पेट कसना, सही क्या होगा, कमर कसना। अब है कुछ मिलान। छक्के छुड़ाना, हरा देना। मुंह में पानी आना, जी ललचाना। हाथ बंटाना, सहायता करना। नानी याद आना, बहुत परेशान होना। फूले न समाना, बहुत प्रश्न होना। ये हो गया आपका सेकंड। अब है थर्ड। निम्नलिखित चित्रों को देखकर मुहावरे लिखकर उनके वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। शरण कुमार अपने माता पिता के अंधे की लाठी था। मुंह में पानी आना, जी ललचाना। लड्डू देखकर मोहन के मुंह में पानी आ गया। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है मुहावरे।
अब मैं आपको नेक्स्ट रिवीजन वर्क भेजूंगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।